और हर दो साल में इंतखाबी इजलास का टर्म पूरा होता है, तो उसके पेश नज़र दो साल पूरे हो चुके थे, उसी के मद्देनज़र ये लखनऊ में प्रोग्राम होता था हमेशा, लेकिन इस दफ़ा किसी मसलियत की वजह से कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये मेज़बानी का शर्फ अल्लाह की जानिब से मुझे हासिल हुआ और पूरे यूपी के ये 75 अज़ला के लोग इसमें शामिल हुए मुंतज़िमा के, तो उसमें हज़रत मौलाना सैयद अशरफ रशीदी साहब को सदर मुंतखब किया गया और नाइबीन सदर के लिए भी पर्चियाँ पड़ी हैं, जो उसका फ़ैसला नहीं हुआ अगली मीटिंग में हो जाएगा। और खजांची भी मुतय्यन कर दिया गया रफ़ी अहमद सिद्दीकी को। इसी तरीके से जो है वो जनरल सेक्रेटरी और नाइबीन सदर का इंतखाब अगली मीटिंग लखनऊ में होगी 10-15-20 दिन के अंदर, उसमें फैसला होकर के ऐलान कर दिया जाएगा। और किसी मसले पर मीटिंग में बात हुई? मसाइल में असल में जो हालात चल रहे हैं, नफ़रत फैलाओ, उस पर कुछ गुफ्तगू हुई है ज़रूर, इशारे में भी, किनारे में भी, खुल के भी। जमीयत की पॉलिसी यह है कि नफ़रत की सियासत को पसंद नहीं करती, प्यार मोहब्बत की सियासत चाहती है, चाहे वो हिंदू फ़िरका परस्ती हो और चाहे वो मुस्लिम फ़िरका परस्ती, दोनों की मज़म्मत करती है, मुखालफत करती है, दोनों को पसंद नहीं करती। मुल्क मजहबी बुनियाद पर नहीं, सियासी बुनियाद पर चल सकता है, प्यार मोहब्बत की बुनियाद पर चल सकता है, मजहब की बुनियाद पर नहीं चल सकता। ये मुल्क जमहूरी है, यहाँ का निज़ाम जमहूरी है, यहाँ का कानून जमहूरी है, यहाँ मुल्क जब भी चलेगा मजहब से दूर रखने के बाद चलेगा।